ख्यातिमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर बीसियों हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ यह छो बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छो लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी, फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा, तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चलने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चका हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ तू तो एक छो बेल को खींच कर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बदबदाया, यह ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए अनशन कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुँच गयी। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चक्करजाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए, पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फफड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है, आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी, तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना, बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा, वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना, जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही सब उठ जाना। सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया, सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उठ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सीखा, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।